ये फिजिकल ज्योग्राफी है जो कि सविंदर सिंह के द्वारा लिखी गई है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट ही बुक है, बेस्ट है बुक सविंदर सिंह की। अगर किसी को फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक सजेस्ट की जाए तो सविंदर सिंह फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो इसलिए आप लोग कभी अगर ख़रीदना हो तो सविंदर सिंह की ख़रीदें, फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ट है। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है, किस तरह से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी एडिशन की। ये 2016 में एडिशन हुआ था, उसके बाद रीप्रिंट किया गया 2018 में, जो कि अभी का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी का क्या है, तो वो चेक कर ले। और इसका प्रिंट प्राइस जो है वो 365। ये मैं एक्चुअली 2019 में लिया था, तो इतना ही पड़ा था मुझे। और ये सेम रीप्रिंट था 2019 में, अब 2020-21 में चेंज हुआ है शायद, मुझे एग्जैक्ट अभी का आइडिया नहीं है, आप चेक कर ले प्लीज़। इसका कंटेंट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या कवर किए हैं सविंदर सिंह ने। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, जियोमॉर्फोलॉजी भी जिसको कहते हैं, मतलब अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में जो भी बताया इन्होंने, देखें ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले इन्होंने कवर किया ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसमें सोलर सिस्टम, मतलब अर्थ का जो है, अर्थ किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से एग्जिस्टेंस इसका, किस तरह से पाया जाता है, अस्तित्व में कैसे आया, वो इसमें बताया गया है। सोलर सिस्टम कैसे बना, क्या बना, इसका बहुत सारा इसमें हाइपोथेसिस है सोलर सिस्टम आने में, मतलब अर्थ बनने में। लोग इसका हाइपोथेसिस ऑफ कांत पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ लप्लास, बहुत तरह है। बिग बैंग थ्योरी लास्ट में आता है, बिग बैंग थ्योरी है जैसे, ये बिग बैंग थ्योरी लास्ट में आता है, अभी इसी को मान के चल रहे हैं लोग। उसके बाद आता है एज ऑफ द अर्थ, अर्थ का कौन कौन सा एज आया, बहुत सारा एज है अर्थ का, ठीक है, अर्थ एज वाइज जो है इसको डिफाइन भी किया गया। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, मतलब अर्थ के अंदर में किस तरह का इंटीरियर है, स्ट्रक्चर किस तरह का अर्थ के अंदर में, अर्थ के ऊपर भी है, अर्थ के अंदर में कैसे, जैसे अर्थ में लेयर है, लेयर वाइज बटा हुआ है, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, इनर कोर, आउटर कोर, ये सब लेयर है। कितना किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है, क्रस्ट में किस तरह का मटेरियल पाया जाता है, तो ये सब हम देखते हैं क्रस्ट में। फिर मेंटल आता है, मेंटल कितना किलोमीटर तक होता है, उसमें क्या पाया जाता है, वोल्केनिक जो होता है उसमें होता है कि क्रस्ट में होता है, वोल्केनिक भी तो, वोल्केनिज्म जो होता है, वोल्केनोज, वो भी तो अर्थ के अंदर से ही निकलता है, तो वो किस पार्ट से निकलता है, क्रस्ट से निकलता है, मेंटल से निकलता है, कोर से निकलता है, वो सब हम लोग इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। उसके बाद कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिंस, मतलब कंटिनेंट्स, अभी जैसे प्रेजेंट में 7 कंटिनेंट्स है, ठीक है, वो किस तरह से 7 कंटिनेंट्स जो है वो किस तरह से बना, ठीक है। कहा जाता है कि पहले जो है एक ही लैंडमार्क हुआ करता था, पैंजिया उसको कहा गया उसके, और मतलब दुनिया जो है, ये जो अर्थ है ना, उस पर एक ही लैंडमार्क हुआ करता था, पूरे पे एक लैंडमार्क हुआ, एक ही गोला था, उसको पैंजिया कहा गया। उसके बाद जितना भी जगह था उस पर वाटर बॉडी था, वाटर पूरा में फिलअप था, उसको कहा गया पैंथलासा, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि वो लैंड मास जो था वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, बीच से टूटने लगा, पानी बीच में वो टूटने लगा नॉर्थ की तरफ फोर्स की वजह से, वो सब हम लोग देखेंगे अंदर में किस तरह से वो बना, कि फोर्स, एक फोर्स आया वो बीच में ड्रिफ्ट होने लगा, तो एक नॉर्थ में चला गया, एक साउथ में चला गया, और बीच में पानी जो है वो एंटर कर गया, तो उसकी वजह से वो फिर धीरे धीरे फिर वो टूटा, फिर वो टूटा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 7 कंटिन्यूस जो है अभी प्रेजेंट में है, और फिर अभी भी ये ड्रिफ्टिंग जो है ना वो अभी भी प्रोसेस में है, वो अभी भी कंटिन्यूसली वो चल रहा है। तो हो सकता है कि अपकमिंग ईयर्स में वो 7 कंटिनेंट्स 8 कंटिनेंट्स में बदल जाए, 8 कंटिनेंट्स 9 कंटिनेंट्स में बदल जाए, तो ये मे भी हो सकता है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग अभी भी कंटिन्यू है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, देखिए इसमें थ्योरी सब है। फिर अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ किस तरह से कैसे मूव करता है, किस तरह से मूव करता है, कौन सा फोर्स उसको मूव करने पर मूव करवाता है, जैसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, फिर सडन फोर्सेस है, फिर आपको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। तो ये सडन फोर्सेस जो है ना, ये अर्थ जो आता है अर्थक्वेक जो है ना, इसी सडन फोर्सेस की वजह से आता है। जब टेंडम अचानक से सडन फोर्स लगता है ना अर्थ के में, एक फोर्स जनरेट होता है, तब हम लोग
वो शेक कर जाता है, वो जो अर्थ होता है ना बिल्कुल पूरी तरह से शेक कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अर्थक्वेक आता है और हम लोग महसूस करते हैं उसको। और ये सब नॉर्मल है, आता रहता है, सडन फोर्स की वजह से हम लोग अर्थक्वेक महसूस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉक्स, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है रॉक्स, कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स है, जैसे इग्नियस रॉक्स है, लैंड फॉर्म्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, बहुत तरह के रॉक्स, तीन तरह का रॉक्स, चार तरह, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये सब पढ़ेंगे किस कैसे बनते हैं को बनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज, मतलब वोल्केनोज जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो कहाँ से निकलता है। हम इससे पहले बताए थे जैसे कि अर्थ के अंदर जो तीन लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो उसमें किस पार्ट से ये वोल्केनिक इरप्शन होता है, किस पार्ट से जो ज्वालामुखी जो निकलता है वो किस पार्ट से, अंदर के किस पार्ट से निकलता है, वो क्रस्ट से निकलता है, मेंटल से निकलता है, कोर से निकलता है, वो हम लोग देखेंगे। फिर अर्थक्वेक आता है, जैसे हमने बताया कि सडन फोर्स की वजह से अर्थक्वेक आता है, तो वो कहाँ पे आता है, उसके लिए कहाँ पे आता है, क्या कॉजेस है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनेटिक कॉजेज, प्लेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। फिर माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन जो होता है पहाड़, तो वो किस तरह से बनता है, कैसे बना, कब बना, कितना, कौन सा एज का है वो, कहाँ पे, वहाँ पे इतना बड़ा है तो वहाँ पे इतना बड़ा क्यों है, वहाँ पे इतना छोटा है तो वहाँ पे इतना छोटा क्यों है, और अभी भी अभी क्या इरोजन, इरोजन भी हो रहा है धीरे धीरे, क्या है कि वो पहाड़ जो वो कट 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 के वो गिर रहा है विंड की वजह से, हवा की वजह से, बहुत सारा फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद प्लेटियो आता है, देखिए प्लेटियो और माउंटेन में ना बिल्कुल लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लेटियो में क्या होता है, माउंटेन में क्या होता है कि पीक होता है इसमें, चोटी होता है, ठीक है। एक ऊपर में देखे होंगे कि आप माउंट एवरेस्ट का, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट आप ले लेते हैं तो वो चोटी है, ठीक है, तो वो सबसे ऊपरी भाग जो होती है उसको चोटी बोलते हैं। लेकिन प्लेटियो में ऐसा नहीं होता, प्लेटियो में कोई चोटी नहीं होती, प्लेटियो में क्या होता है कि ये फ्लैट सर्फेस होता है, फ्लैट सर्फेस होता है, जैसे आपने देखा होगा टेबल, टेबल में क्या होता है, बैठने वाला जो होता है उसमें बिल्कुल फ्लैट होता है, उसी तरह से प्लेटियो में होता है, प्लेटियो में कोई पीक नहीं होती है, कोई चोटी नहीं होती है, इसमें फ्लैट होता है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। ये भी हाइट होता है, इसका भी हाइट अच्छी खासी होती है, इसकी भी हाइट अच्छी खासी होती है, ये भी काफ़ी एरिया को कवर करता है, ये भी काफ़ी एरिया, बाकी सेम होता है बिल। सिर्फ अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या डिफरेंस है माउंटेन और प्लेटियो में, तो ओनली जस्ट ये सिर्फ बस पीक और फ्लैट सर्फेस का डिफरेंस है बस। प्लेन्स होता है, फिर किस तरह का प्लेन्स होता है, किस तरह से ओरिजिन होता है, वाटर, पानी, वाटर बॉडी जब वहाँ से ड्रेन करता है तो जब वो आगे चला जाता है, फिर वो जब लिफ्ट करता है वाटर बॉडी तो वहाँ पे कुछ मिट्टी छोड़ जाता है, उससे प्लेन बनता है, किस तरह का प्लेन, किस तरह की मिट्टी वहाँ पाई जाती है, तो ये सब हम देखेंगे। जैसे सैलाब आता है तो फ्लड जब आती है तो फ्लड जब पानी रिसीड करता है जब अपने वाटर बॉडी की तरफ, उसके बाद जो वहाँ पर जो कुछ मिट्टी जो लेके आती है ना, वो बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी होती है, वहाँ पे अच्छी, बहुत अच्छी खासी प्लेन जनरेट होता है, वहाँ पे अच्छी ये आपको फसल भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में ग्रेट प्लेन्स है काफ़ी अच्छी, ये आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब को कवर करता है, ठीक है। गंगा प्लेन है, जैसे गंगा रिवर बहता है, गंगा रिवर जो बहता है तो उसके दोनों तरफ जो है एक प्लेन बनता है, उसको नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग इसको बांट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लेक्स, कितने तरह के लेक्स होता है, क्या होता है, ग्लेशियल लेक्स, फ्लूवियल लेक्स, वोल्केनिक लेक्स भी होता है, क्यों बोलते हैं वोल्केनिक लेक्स, ग्लेशियल लेक्स क्या होता है, फ्लूवियल लेक्स क्या होता है, ठीक है, सलाइन लेक्स होता है, ठीक है, वो सब देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इस बुक्स को और अच्छी खासी किसी रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी बुक्स है, काफ़ी इजी वे में समझाया गया है और अच्छा खासा क्वेश्चन को कवर किया गया इसमें, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ठीक है, इस तरह से वेदर होता है, मास मूवमेंट, जैसे क्षरण होता है, जैसे हम अभी बताए थे आप लोगों को माउंटेन जो है वो धीरे धीरे इरोजन इरोड हो रहा है, तो वो मतलब क्षरण, वो तो गिर रहा है उसका जो है, तो वो फिर मास मूवमेंट, वो सब देखेंगे। फिर साइकिल ऑफ इरोजन, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न्स,
मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, मतलब किसी भी कितने तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है, जैसे नदी बह रही है तो वो किस तरह से बह रही है, ठीक है, कौन से सिस्टम को फॉलो कर रही है वो, ठीक है। यहाँ जैसे देखते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स, ऑब्सिक्वेंट, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न्स, ये सब हम देखते हैं किस तरह से, पैरेलल पैटर्न, मतलब पैरेलल में बह रही है सीधी एकदम, ठीक है, देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। फिर उसके बाद आता है रनिंग वाटर रिवर्स एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। रनिंग वाटर जैसे गंगा प्लेन्स, सारे एग्जांपल जो ना आपको इंडिया में आप लोग खुद देख चुके होंगे बस। फिर उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर एंड कार्ट्स टोपोग्राफी, सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स मतलब समुंदर में जो वेव्स चलता है तो उससे क्या बेनिफिट है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, ठीक है, और बहुत सारा नुकसान भी है, तो वो हम लोग देखेंगे। कोस्टल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होता है उसको किस तरह से वो बेनिफिट पहुंचाता है उसको, और किस तरह से उसको उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद विंड एंड, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी। अब आ जाता हूँ, ये आपका पोर्शन ख़त्म हो गया जियोमॉर्फोलॉजी का, लिथोस्फीयर का पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ओशनोग्राफी, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर ओशनोग्राफी। तो इसमें मेन वो पोर्शन था, बहुत बड़ा चैप्टर सब हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी जो था वो बहुत बड़ा था, अब ये उतना बड़ा नहीं हुआ। रिलीफ्स ऑफ द ओशन बेसिन्स है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर जो है उसका टेम्परेचर एंड डेंसिटी क्या होगा, कैसे पता करते हैं, कितना पानी नीचे जाने पर कितना टेम्परेचर होगा, कितना डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ये सब हम लोग देखते हैं। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब हर दिन का इसका टेम्परेचर क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल में अगर आप जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह अगर विजिट करने जाते हैं या फिर टूर पे भी जाते हैं तो आपको अगर ज्योग्राफी आती है तो आप अच्छा खासा वहाँ बहुत अच्छा इंजॉयमेंट इंजॉय कर पाएंगे, और अच्छी खासा वहाँ मतलब नॉलेज होगा ना जगह के बारे में और प्लेस के बारे में, तो आप अच्छा खासा घूमेंगे। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर तो आपको कहाँ क्या चीज़ है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए वो आपको पता नहीं होगा। ज्योग्राफी हर इंसान को पढ़नी चाहिए, वो ज्योग्राफी जो है वो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, वो स्टूडेंट हो ज्योग्राफी का या नहीं हो, फिर भी नॉलेज तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे थोड़ा तो समझ में आएगा। सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी क्या होता है, वाटर में जो है ना नमक की मात्रा कितनी ज़्यादा होगी, अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, नमक की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ठीक है, सैलिनिटी कैसे बढ़ता है ये, ठीक है। फिर वो भी यहाँ भी यही बात है, ठीक है, डीप में जाएंगे तो सैलिनिटी घटेगी, फिर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो घटेगी या बढ़ेगी, वर्टिकल में जा रहे हैं तो घटेगी या घटेगी, यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओशन डिपॉजिट किस तरह का होता है, मतलब मलबा जो आके डिपोज हो जाता है तो वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है ओशन डिपॉजिट, ओशन के बारे में हर चीज़ आप पढ़ेंगे। ओशन टाइड्स, टाइड्स क्या होता है, ये पानी एक समय होता है कि पानी जो है ना आके एकदम राइज कर जाता है, तो वो पानी अप टाइड्स होता है, लो टाइड्स होता है, ठीक है, तो ये इंटरवल पे होता है, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा समुंदर में जब टाइड्स हाई टाइड्स आता है तो लोग को वहाँ पर से हटा देते हैं। और फिर ओशन करेंट्स होता है, करंट की वजह से जो है ना फिश की मात्रा यहाँ बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे करंट्स होता है ना, ये पढ़ेंगे किस तरह से करंट होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे अपोजिट करंट्स होता है ना वहाँ पे फिश बहुत अच्छी खासी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा फिश पाई जाती है, बहुत सारे करंट्स है, अभी उतना अच्छे इंटरनली डिटेल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी बहुत पोर्शन बचा हुआ है अभी, तो आज बस ये देखते हैं किस तरह से क्या हुआ। कोरल रीफ्स एंड एटोल, मैरीन रिसोर्सेस, ये हो गया ओशनोग्राफी, हाइड्रोग्राफी
हाइड्रोस्फीयर के क्वेश्चन खत्म। अब आता है यहाँ से एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको एकदम पता होना चाहिए किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर, किस तरह से हमारा टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरह का, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है ये, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ इसमें जो है लेयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी एरोप्लेन जो होता है वो किस लेयर में होता है, आपने गौर किया कभी, वो नीचे में कभी नहीं, ट्रोपोस्फीयर में कभी भी नहीं होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है ना, बहुत सारा इसको ऑब्स्टिकल्स मिल जाता है, विंड्स है, डस्ट है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स मिलता है, इसलिए ये यहाँ पर ना उड़ के स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ना पसंद करता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से ये बच जाता है। फिर इसलिए आपने किससे पूछ, कभी आपसे कोई पूछे तो एरोप्लेन जो है वो कहाँ पे फ्लाई करता है, तो किससे लेयर में, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ये स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, अब उसके बाद देखते हैं ये इंसुलेशन एंड हीट बजट। हीट बजट मतलब आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बजट पास होता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी है। हीट बजट मतलब कितना सन से रेज कितना अर्थ पे आया और फिर कितना रिटर्न हुआ, क्योंकि जितना आता है फिर वो भी रिटर्न भी होता है, उसमें से कुछ पोर्शन रिटर्न भी होता है, तो किस तरह से रिटर्न होता है, कुछ पार्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से पहले ही रिटर्न कर जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो अर्थ पे पहुंचता है फिर उसके बाद रेडिएट करता है, ठीक है, जिससे हम लोग किसी चीज़ को विजन साइड देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हीट बजट उसी होते हैं, मतलब कितना आया और कितना गया, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है हमारा, कहाँ पर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो देखेंगे। एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, हाई प्रेशर कहीं पर हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। आपने ये एक हॉर्स लेटीट्यूड्स होता है, हॉर्स लेटीट्यूड्स क्या होता है कि हाई प्रेशर की कहानी बता देते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जा रही थी पैसिफिक ओशन में, तो वो हॉर्स लेकर जा रहे थे, ठीक है, नाव पे, तो उसको ना बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर लगने लगा, मतलब उसका नाव जो है ना वो डूबने लगा, उसको लगा कि मेरा हॉर्स ज़्यादा है इसलिए नाव हमारी सिंक कर रही है, मतलब डूब रही है, तो उन्होंने एक दो हॉर्स को पानी में फेंक दिया, फिर भी वो प्रेशर कम नहीं हुआ, वो डूबने ही जा रहा था, तब उसको पता चला बाद में कि यहाँ पे तो हाई प्रेशर था, यहाँ पे हवा जो है वो नीचे की तरफ, हवा जो है वो नीचे की तरफ उतर रही थी ऊपर से, इसलिए हमारे उस जगह पे, इसलिए उस लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, जब लैटिट्यूड्स समझेंगे आप तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, हाँ जैसे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश किस तरह से होती है, बारिश कितने तरह का होती है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कितने क्लाउड्स देखें, कितने तरह का क्लाउड्स होता है, ठीक है। रेनफॉल, ओरिजिन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है ना कि हीट की वजह से, जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जब बारिश होती है, कभी कभी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बारिश होती है, तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है ना, ये सीजनल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे हमारा मानसून आता है, तो हमारा मानसून जो आता है ना ओरोग्राफिक, ओरो का मतलब होता है ना ओरो का मतलब जैसे पहाड़, ठीक है। तो हमारा जब मानसून आता है ना, तो वो जब विंड के साथ ह्यूमिडिटी बहती है ना, तो वो जाके पहाड़ से टकराती है, जब पहाड़ से टकराती है ना तब जाके बारिश होती है, इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं उसको। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल होता है, फिर बहुत सारा रेनफॉल ये देखेंगे, ठीक है। ईयर मासेस क्या होता है, सोर्स रीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ मासेस, ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, साइक्लोन्स आपने देखा होगा उड़ीसा में बहुत ज़्यादा, जब बहुत
तेज़ी में जब हवा बहती है इसके साथ समुंदर से, और वाटर बॉडी को, वाटर मतलब वाटर को ले के साथ में जब हवा बहती है ना, और कोस्टल लैंड, कोस्टल एरिया की तरफ, तो उसी को साइक्लोन कहते हैं। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, पूरा कोस्ट को बर्बाद कर देता है जब ये। उड़ीसा में आपने सुना होगा कितने तबाही मचाती है जब आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स, क्लाइमेट्स किस कितना तरह का होता है, फिर बायोस्फीयर आ जाता है, ठीक है। तो ये था बायोस्फीयर का ये पोर्शन है। ये था पूरा सविंदर सिंह का ज्योग्राफी का पूरा ओवरव्यू। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।